रहे। पंजाब के मलोट में बीजेपी विधायक अरुण नारंग के साथ बदसलूकी हुई है। आरोप है कि किसान संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की, उनके साथ हाथापाई की गई और इसके दौरान उनके कपड़े फट गए, जिसके बाद पुलिस वालों ने किसानों के बीच से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। आपको बता दें, इस दौरान किसानों ने नारेबाजी भी की। बताया गया कि बीजेपी विधायक अरुण नारंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, जिनका विरोध करने भारतीय किसान यूनियन से जुड़े कुछ लोग वहां पहुंच गए और उन्होंने बीजेपी विधायक के साथ बदसलूकी की। हमले के लिए बीजेपी ने अमरिंदर सरकार को निशाने पर लिया, तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी घटना की निंदा की और डीजीपी को इस मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक अरुण नारंग से जो कातलाना हमला किया गया, उन्हें अपमानित करने की कोशिश की गई, क्योंकि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के चार साल की रजवाड़ा शहीदी सरकार को हिसाब मंग लिया। कैप्टन साहब अस्तीफा देना चाहिए थानू। देखो, मैं समझना कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर निजी हमला नहीं करना चाहिए और किसी को भी कानून अपने हाथ के विच नहीं लेना चाहिए और ना ही किसी को कानून अपने हाथ से लेने की इजाजत है। और मैं यदि निखेधी करदा कांग्रेस पार्टी ये हमले की निखेधी करदी।